सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V27 डिवाइस के अंदर आप जो है अपने फोन के अंदर जेड फोन के इमोजीज अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, एंड तक वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, एक बार अगर समझ ना आया तो वीडियो को रिपीट देखना, आप आसानी से अपनी इमोजी को अप्लाई कर पाएंगे अपने फोन के अंदर। एक ही इमोजी को बार बार यूज कर रहे हो तो आप बोर हो चुके हो, तो जेड फोन 3 के अंदर जो इमोजीज है, iOS के इमोजीज है, विंडोज के इमोजीज है, पिक्सल के इमोजीज है, आप उनको आसानी से अपने फोन में अप्लाई कर पाएंगे। चलो गाइस, डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं इमोजीज हमें कैसे अप्लाई करने हैं अपने फोन के अंदर। सो गाइस, फोन में इमोजीज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जेड फोन 3 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि जेड फोन 3 के ही इमोजीज हम अप्लाई करने वाले हैं अपने डिवाइस के अंदर। सबसे पहले तो हम आपको इमोजीज दिखाते हैं हमारे फोन का इमोजी कौन सा है। तो ये कुछ इमोजी है, उतना कलरफुल नहीं है, तो अगर आपको बदलना है इस इमोजी को सो आसानी के साथ आप बदल पाएंगे। इसके लिए हमें जेड फोन 3 को डाउनलोड कर लेना है, इसको हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहां पर टर्म ऑफ कंडीशंस आएगी, आप इसको रीड करके एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रेंड वाले सेक्शन पे जाके जहां से सोर्सेस को अलाउ कर देना है, व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आएगा, क्या नया है इसके अंदर, उसको देख के आप ओके करेंगे। अब यहां पर इमोजी का कोई प्रॉब्लम है उसको आप देख सकते हो, तो यहां पर बोल रहे हैं कि VPN एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आसानी से यहां पर यूज कर पाएंगे हम अपने जो है इमोजीज को। कट करेंगे इसको, इसके बाद वापस नीचे आना है। तो यहां पर एक कलरफुल इमोजी डाउनलोड करने वाला हूं, क्योंकि हमें जो है आपको दिखाना भी है कि जो हमारी इमोजी है वो एक्चुअल में चेंज हुई है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। हमारी डाउनलोडिंग अभी पेंडिंग है, अगर आपकी डाउनलोडिंग भी ऐसे पेंडिंग हो रही है और बार बार पेंडिंग हो रही है तो वहां पर एक्सेस करना आप VPN, क्योंकि अभी यहां पर हम एक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो डाउनलोडिंग का ही एरर था तो मेरे फोन में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें इस डाउनलोडिंग के लिए VPN का एक्सेस नहीं करूंगा। सो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी इमोजीज जो है डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपकी डाउनलोड नहीं होती तो वहां पर आपको VPN का एक्सेस करना है। मेरे फोन में ऑलरेडी हो चुकी है तो VPN हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोडिंग एरर हो रही है और आपको अप्लाई का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल अप्लाई बटन है, प्रेस करेंगे एंड इंपोर्टेंट का ऑप्शन सारा है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हुए यहां से यूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है, इसको अलाउ कर देंगे। मैंने इसको अलाउ कर दिया, यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करनी होगी, इसके लिए ओके पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं। इनकेस अगर ये प्लगइन भी फेल्ड हो रही है तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक उसको डाउनलोड करना है, फेल्ड होने के बाद भी तो आपका डाउनलोड होने लगेगा, क्योंकि ये एरर हमें देखने को मिला था पहले भी। तो आप इस प्लगइन डाउनलोडिंग को भी आप सोल्व कर पाएंगे कुछ इसी तरीके से, तो बिल्कुल आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। प्लगइन हमारी डाउनलोड हो चुकी है, देख सकते हो एड्स आ रही है, एड्स को हम कट कर लेते हैं, यहां से कट करेंगे यहां से। अब यहां आगे का मेथड फॉलो करें, उससे पहले आप किसी पर्सन का एक वाईफाई कनेक्शन अपने फोन में देंगे, जरूरी नहीं आपके पास वाईफाई का ही हो, आप किसी फोन के हॉटस्पॉट कनेक्शन को भी आप वाईफाई के लिए यूज कर सकते हो। गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, 3 ऑप्शंस आएंगे, सेकेंड वाले मेथड को फॉलो करना है, पहले वाले में कोड का थोड़ा प्रोसेस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम एक एप्लीकेशन यूज करेंगे सिजुकू वालों को, इसको प्रेस करेंगे इंस्टॉल वाले पे क्लिक करके और इस छोटी सी साइज की एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने स्टोर पे लगा दिया और ये डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद बिल्कुल ही आपको फॉलो करना है छोटा सा और मेथड, इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद यहां पर आएंगे, अब करना क्या है, पेयरिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद उससे पहले अपने डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना है। ऑन कैसे करना है, पहले नोटिफिकेशन को हम अलाउ कर लेते हैं, बैक आते हैं वापस। अब देखो डेवलपर ऑप्शन का जब काम आए तो डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने का तरीका यह है कि अपने फोन के अबाउट सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन का एक ऑप्शन लास्ट में आपको मिलेगा, उसको प्रेस करना। वहां पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन मिलेगा, उसको प्रेस कर देना। उसके अंदर एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन आएगा, उस पर 5-6 बार टैप 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 करना तो आपके पास स्क्रीन का पासवर्ड आएगा। स्क्रीन पासवर्ड जैसे आप एंटर करेंगे आपका डेवलपर ऑप्शंस आसानी से ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे यहां पर, इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, हमने ऑलरेडी करा हुआ है इसलिए हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, एक सेटिंग्स मिलेगी USB डीबगिंग, ये अनचेक अगर है तो आप इसको ऑन करते हुए ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद वापस नीचे आएंगे, एक और ऑप्शन मिलेगा वॉलेट डीबगिंग, इसको भी ऑन करके अलाउ कर दीजिएगा। हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस काम करने के बाद आपके वॉलेट डीबगिंग के लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस आ जाएगा, एक पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड है, इसको प्रेस करेंगे, एक कोड आ जाएगा, कोड को आपको एंटर करना है यहां पर इंटर पेयरिंग कोड पर। अगर ये कोड वाला एंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कुछ लोगों के कॉमेंट्स तो यही आते हैं
ये एंटर करने का ऑप्शन नहीं है। देखो सारे ऑप्शंस को डिलीट कर देना, सिस्टम सेटिंग में जाके अपने डेवलपर ऑप्शन को भी बंद कर देना, टोटली चीज को डिलीट करने के बाद फोन को रीस्टार्ट एक बार कर देना, आपकी जो ये प्रॉब्लम है 110% सोल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो एक आई बटन में वीडियो की लिंक है, आप उसको देख के भी इस कोड प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो इस कोड को हम यहाँ पर फटाफट एंटर कर लेते हैं। सो गाइस हमने कोड को एंटर कर दिया है, आप इस एरो को एक बार प्रेस करेंगे, एक कोड हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा एंड ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुका है। इसको वापस करेंगे, यहाँ रिसेंट ऐप पर आएंगे। अब वापस आपको सिजुकू वाले एप्लीकेशन पर जाना है, यहाँ से बैक हो जाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट बटन में प्रेस करेंगे। अगर आपका कोड यहाँ पर रन कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज यहाँ वापस डेवलपर ऑप्शन पर जाना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर एक सेटिंग्स मिलेगी वॉलेट डीबगिंग, इसको अनचेक करते हुए इसको वापस अलाउ करेंगे ऑन करके। इसके बाद रिसेंट ऐप को प्रेस करके सिजुकू एप्लीकेशन पे आएंगे तो कोड यहाँ पर आपका रन कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कोड रन करते ही आपके फोन से थीम स्टोर एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है। तो अगर उसे वापस लाना है तो प्ले स्टोर में थीम्स नाम की एप्लीकेशन को सर्च करेंगे एंड वहां से उसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो आसानी से आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब यहाँ से रिसेंट ऐप को प्रेस कर देना है इस तरीके से और आपको जाना है जेड फॉन्ट एप्लीकेशन पे, इसको प्रेस करेंगे। अब जो इमोजी हमने डाउनलोड करी थी उसी इमोजी पे जाना है। इसके बाद एड्स आ रही है, एड्स को यहाँ से हम कट कर लेंगे एंड यही से हम इस इमोजी को अप्लाई करेंगे अपने डिवाइस के अंदर। कट करते हुए अप्लाई बटन में प्रेस कर देंगे, सेम ऑप्शन वैसे ही आएगा जैसे हमारे पास आ रहा था। इसको वापस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, सिजुकू वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अलाउ ऑल द टाइम पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद इस इमोजी को हम आसानी से अप्लाई कर पाएंगे अपने फोन के अंदर। यहां पर वापस क्लिक करेंगे इसको एंड सेम चीजें अगर रिपीटेड हो रही है तो आप देख सकते हो दोबारा से क्लिक करने पर चेंज फोन का ऑप्शन आया, इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद जेड फोन पे क्लिक करना है कस्टम, इसके बाद अप्लाई बटन प्रेस कर देंगे तो ये जो इमोजी है आपके फोन में सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी एंड देख सकते हो इसको मौके कर देंगे। एंड आपको लेकर चलते हैं अपने यहाँ पर टेक्स्ट में, जो आपको इमोजी हमने यहाँ पर चेंज करा था इसके कलर्स वगैरह देख सकते हो प्रॉपरली चेंज हो चुके हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से अपने फोन के अंदर इमोजीज को आप चेंज कर पाएंगे। आई होप कि आप समझोगे इमोजीज को चेंज कैसे करना है। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आती आप जो है वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आसानी से आप जो अपने फोन के अंदर इमोजीज अप्लाई कर पाएंगे। आई होप गाइस समझोगे कैसे करना है एंड गाइस कंफ्यूजिंग और कोई होती है तो कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।